अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में 26/11 की बरसी को याद किया गया, मनाया गया। इस मौके पर इजलास भी रखा गया। आज आपको बहुत ये बड़ी आतंकी हमले की पोल खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुंबई हमले को 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुंबई दहशतगर्द हमले को लेकर बहस मुबहसे तो होते रहे, लेकिन इन तमाम में भी कुछ तो कुछ छिपा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि साबिक पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई राकेश मारिया, कांग्रेस के बुजुर्ग कायदे दिग्विजय सिंह हो या फिर पुलिस आईजी रह चुके मुंबई के ही एसएम मुशरिफ ने तो पहले ही मुंबई पर हमला एक साजिश के तौर पर पेश किया था। हाल ही में फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने भी मुंबई हमले की उस बरसी को याद करते उस जगह पर जाकर मुंबई हमले में शहीद हुए उन जाबाज पुलिस अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। अब हमलावर कहां से आए थे, कितने लोगों को मारा, इस पर बारह तबसरे भी हुए, फिल्में भी बनी हुई। अब इसके दूसरे पहलू पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, पर कोई चाहकर या ना चाहकर मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद जिम्मेदार होने की बातें कुछ इल्मी माहिरीन की जानिब से बारहा की गई और किताबें तबसरे भी किए जा चुके हैं। अजमल कसाब से लेकर हेमंत करकरे तक बहुत सारी कहानियां दरमियान में सर उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन इसके असली रुख को आज भी सामने नहीं आने दिया गया ऐसा बताया जाता। बहुत सारे लोगों को दूसरा रुख मालूम न होगा, पर इसका भी तस्करा जरूरी है। भले भाजपा मरकजी हुकूमत में तो है और कई मामले में शक की सुई भी घूमती नजर आती है। अगर मान भी लिया जाए जो भी इल्जाम मुंबई पुलिस और हिंदुत्व तंजीमों पर राकेश मारिया, दिग्विजय सिंह या फिर एसएम मुशरिफ की जानिब से की गई, अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुंबई हमले को सीधे आरएसएस से जोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आजकल आरएसएस या भाजपा के खिलाफ बोलना भी देशद्रोही कहा जाता है। अब इस मामले के वकील रह चुके उज्ज्वल निकम इन तमाम बातों को रद्द करते हैं और जो भी हमला हुआ वो पाकिस्तानी आतंकियों ने ही किया था कहा। खैर आज उसी पहलू पर बात करते हैं। मुंबई पुलिस के अफसरान और आरएसएस भाजपा के कुछ लोग इस हमले में शामिल थे ऐसा बताया जाता है। मुंबई एटीएस के चीफ रह चुके राकेश मारिया ने 2020 में अपनी लिखी किताब में इस मौजू को दोबारा छेड़ने की कोशिश करते हुए इस हमले को हिंदू आतंकवाद जिम्मेदार होने की बात कही ऐसा बताया जाता है। आपको ये भी अजीब लगेगा कि अजमल कसाब को भी हिंदू होने की बात कही गई, क्योंकि उसकी पहचान समीर चौधरी और वह हैदराबाद का बताया जा रहा था। हालांकि इन तमाम बातों का जिक्र जब हमला हुआ या इसकी तफ्तीश भी जारी थी उस वक्त कभी हमने सुना नहीं और न देखा। कुछ लोग इसे आरएसएस की साजिश से जोड़ रहे ताकि भारत में हिंदू मुसलमान किया जाए। अब इस पर जितने भी लोगों की राय है कि यह हमला किस साजिश के तहत ही था, उनके अपने दलाइल है। राकेश मारिया खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, एटीएस चीफ भी रह चुके हैं। इसी तरह राकेश मारिया से पहले मुंबई पुलिस आईजी रह चुके एसएम मुशरिफ साहब ने करकरे को किसने मारा हिंदी में किताब लिखी और अंग्रेजी में हु किल्ड करकरे ऐसा दो किताबें लिखी, और इसमें उन्होंने खुलकर करकरे की मौत, कसाब और मुंबई हमला और देश के दिगर जगहों पर आरएसएस किस तरह बम धमाकों के लिए जिम्मेदार था इस पर रोशनी इस किताब के जरिए डाली। किताब आज भी फारस मीडिया में हासिल कर सकते हैं। अब भाजपा की जानिब से मुंबई हमले की बरसी मनाई गई और शहीद अफसरान को याद भी किया गया। इसी तरह कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की जानिब से 2010 में ही 26/11 हमला आरएसएस की साजिश किताब को भी मंजरे आम पर उस वक्त लाया गया था और उस किताब में भगवा दहशतगर्द पर खुलकर हमला किया गया। यहाँ तक अजमल कसाब भी हिंदू दहशतगर्द का ही हिस्सा था कहा जाने लगा, क्योंकि इसकी पहचान समीर चौधरी के नाम से थी और हेमंत करकरे को अजमल कसाब ने नहीं मारा बल्कि मुंबई पुलिस की गोली से ही मौत हुई ऐसा कहा गया। यहाँ तक कि हेमंत करकरे की बीवी ने भी हेमंत करकरे की मौत को साजिश बताया। हेमंत करकरे को किसने मारा इस किताब में इस बात का भी जिक्र किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाके की अहम मुजरिम थी और साथ में करण प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी और दिगर मुजरिमों में बेलगाम गोकाक का प्रवीण टक्कर की भी शामिल था। मुंबई हमले की कड़ी कहां से कहां जुड़ती है और इस पर कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की ये भी बड़ी बात कह सकते हैं। 2008 में शबे बारात को रात 9:30 बजे कसीर तादाद में मुसलमानों को मारने की नीयत से धमाके को अंजाम दिया गया। 10 लोगों की मौत हुई और 1000 घायल हुए। आपको इस बात पर भी हैरानी होगी कि ये मोडस ऑपरेंडी हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसमें मकसूद समाज की इबादत गाहों को निशाना बनाया। अजमेर धमाका, हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाका इसी नहज पर किया गया था। मालेगांव धमाके में पहले मुसलमानों को, यानी कि मरने वाले भी मुसलमान थे, फिर जिन्हें हिरासत में लिया गया वो भी मुसलमान ही थे। तकरीबन 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मुल्क में किसी भी धमाके को मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की आदत पहले से रही गई और इसी तरह का नैरेटिव सेट भी किया गया। लिहाजा इसकी सही तफ्तीश करते हुए हेमंत करकरे ने भगवा दहशतगर्दी के असल चेहरे को बेनकाब किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित के साथ दिगर मुजरिमों तक पहुंचकर जेल की सलाखों के पीछे फेंकने वाले
हेमंत कर कह रहे ही थे। यहां तक के स्वामी असीमानंद ने जुर्म अदालत में कबूल भी किया था। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव धमाका हुआ और 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हुआ। अब दोनों मामले को तकरीबन 15 साल पूरे हुए। मालेगांव धमाकों में बेगुनाह लोग मारे गए और कुछ बेगुनाहों को हिरासत में भी लिया गया, पर दूसरी चार्जशीट दाखिल कर मामला एनआईए को दिया गया। मुंबई एटीएस के हेमंत करकरे ने भगवा ब्रिगेड के लोगों को हिरासत में लिया तो इसी के बदले को अंजाम देने के लिए हेमंत करकरे को मार दिया गया, ऐसा कहा जाता है। कसाब के मामले देर रात तक अदालतों को चलाकर फांसी दी गई और दिगर मामलों में बरसों मुकदमे चलाए जाते हैं। मालेगांव धमाका होकर 15 साल हुए जिन्हें हिरासत में लिया गया था, अब तो वो बाइज्जत रिहा भी हुए। इसी तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किसने किया अब तक मालूम नहीं, जबकि उस वक्त मस्जिद को गिराने का टेलीकास्ट किया जा रहा था, लेकिन अदालत ने इन्हें भी रिहा किया गया। अब तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद बनी हुए। कई बार इन्होंने हेमंत करकरे पर तौहीन आमोश टिप्पणी की। 2021 में विवादित बयान देते हुए कहा कि हेमंत करकरे को वो शहीद नहीं मानती और ना तो इन्हें वो देशभक्ति मानती है। अब इसे क्या कहा जाए। इसी तरह गोडसे जिंदाबाद का नारा संसद में लगाया गया, मतलब गांधी के देश में अब गोडसे की जय जयकार हो रही है। इन तमाम हरकतें यकीनन शक की ओर इशारा करती है। बारहा आरएसएस पर भारत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कही जाती रही है। आरएसएस के ही साबिक प्रचारक यशवंत शिंदे ने नांदेड़ धमाके की एफिडेविट फाइल करते वक्त अदालत में बयान देते हुए आरएसएस किस तरह मुल्क के अलग अलग शहरों में धमाकों को अंजाम देता है बताया था। खैर आज का ये मौजू इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि 26/11 हमले में शहीद हुए पुलिस अफसरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर मुंबई में इजलास रखा गया था, लेकिन इसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं जिसे बोलना जरूरी समझा, क्योंकि आजकल सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हमारा सवाल ये भी है कि राकेश मारिया हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर आईजी रह चुके एसएम मुशरफ, जिन्होंने दलाइल के साथ आरएसएस की असल तस्वीर को सामने रखने की कोशिश की, अगर इसमें वाकई झूठ होता या फिर गलत दलाइल दिए गए होते तो क्या हुकूमतें इन्हें छोड़ देती। जब सिर्फ भाजपा या संघ या किसी हिंदुत्व के खिलाफ बोलने पर या वीडियो पोस्ट अपलोड करने पर मुकदमे दायर किए जाते हैं, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई या फिर इसे सच समझ लिया जाए। आज भी साबिक मुंबई पुलिस आईजी एसएम मुशरफ कई इजलासों में खुलकर बोलते हैं। अभी पिछले साल ही 2022 में साबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई ने अजमल कसाब के हाथ में करावे पहनने की बात कही और किताब की इफ्तिताह की जिसमें इसी तरह के सवाल उठाए गए थे। 2010 में अजीज बरनी की किताब की इफ्तिताह दिग्विजय सिंह ने की थी जिसमें भी मुंबई हमले को साजिश बताते हुए आरएसएस ही इसके पीछे होने की बात कही गई। अगर ये तमाम लोग देश की तस्वीर को दागदार करने के लिए पुलिस अफसरान की शहादत को छुटलाते हैं तो कार्रवाई होनी थी, क्योंकि आज भी मरकज में भाजपा की हुकूमत है और महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व सोचो फिक्र की है, यानी कि भाजपा और शिवसेना, लिहाजा इस पर बोलना जरूरी था। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।